क्लास में हमने स्टार्ट किया था बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था अबाउट करंट, चार्ज के बारे में पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा डिफरेंट जो सिंबल्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए, जैसे अमीटर, वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और एक पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है ओम्स लॉ। जैसा कि बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लीजिएगा। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ ये बताता है कि अगर किसी कंडक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सॉरी ईएमएफ अप्लाई करते हैं, ईएमएफ का मतलब है उसको बैटरी से हम अगर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, क्या करते हैं किसी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या पोटेंशियल लगाया गया है यानी वी, तो इसमें क्या होगी करंट फ्लो करेगी, तो जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट की, और यही बताया हूं भाई साहब ने, ठीक है ना। तो सिंपल साइन का लॉ है, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, यानी वी प्रोपोर्शनल टू आई या आई प्रोपोर्शनल टू, हम इसको लिख सकते हैं वी के। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करोगे तो यहां आ जाएगा वी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, और यही कॉन्स्टेंट ही हम क्या क्या बोलते हैं, जो V और E I का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। आगे इसी में लिखेंगे इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर, फिजिकल कंडीशंस में क्या क्या आ जाती है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जैसे सपोज दैट ये कंडक्टर है तो इसका ये जो पार्ट होता है, जैसे वायर है तो वायर के इसी पार्ट से क्या होता है करंट फ्लो होती है, तो इसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे, कॉमा टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशंस लाइक क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर एक्सेट्रा आर रिमेन्स अनचेंज्ड, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स unchanged
देन द रेशियो ऑफ वी एंड आई इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है ना? दैट इज, अब ये लिख लेना है, V प्रोपोर्शनल टू आई, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी चाहिए बताएंगे तो कांस्टेंट ऐड होगा, तो आई के नीचे ले तो V अपॉन आई इज इक्वल टू, क्या लिख दिया हमने, कांस्टेंट लिख दिया है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, सिंपल सा बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग between
लाइन हमें क्या मिलेगी, मिलेगी अगर v और i के बीच हम क्या करें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। पुट द हेडिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये जितने भी टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप लोग स्टडी करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो यहां पर भी हमने पढ़ा ओम्स लॉ में जो बी और आई का जो रेशियो होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट होगा, और उसे ही हम बोलेंगे क्या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा, सिंपल सी बात समझिए कि जैसे हम किसी सर्किट में या कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है रस्टिंग होती है वायर में, तो रस्टिंग होने की वजह से क्या होता है वायर हीट करता है, तो रस्टिंग होने की वजह से वायर हीट करता है। हीट करने का मतलब है करंट का अपोज होता है, बाधा पहुंचती है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है ना, कि फ्लो ऑफ करंट में जो अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस बोलेंगे। सिंपल सा ऐसे समझिए कि जैसे हम चल रहे हैं और एयर जो है हमारे अपोजिट ब्लो कर रही है, तो क्या कर रही है हमारे मोशन को रेजिस्ट कर रही नहीं, अपोज कर रही नहीं, तो वही क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन ये मोशन में। बट अगर करंट फ्लो करे और करंट अच्छी तरीके से फ्लो ना हो सर्किट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस कहेंगे। समझ में आई बात कि नहीं, जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो ड्यू टू रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, अब हमारे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी किसके रेशियो के बराबर होगा, अप्लाइड पोटेंशियल और करंट जो फ्लो करेगी आई उसी के रेशियो के इक्विवेलेंट होगा। इट इज डिनोटेड बाय आर, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, तो यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन आर। ठीक है ना, ये बी और आई यही तो रेशियो है, रेशियो को मतलब अपॉन में है कोई क्वांटिटी, तो हम इसको सिंपल से फॉर्मूले से बता सकते हैं V अपॉन I। ठीक है ना, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द रेशियो ऑफ करंट, सॉरी टू द करंट, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द करंट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, आगे लिख लेंगे SI यूनिट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ओम, और इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ग्रीक सिंबल है बेटा ओम को, इस तरह से हम क्या करेंगे डिनोट करेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे देखेंगे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस पहले भी बता चुके हैं, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस
करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पहला इसमें रहेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी रेजिस्टेंस किन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पड़ता है। ऐसे समझो बेटा कि जैसे 1 मीटर का, यानी ये रेजिस्टेंस है और इसको दोगुना कर दिया जाए। दोगुना का मतलब एक इतना ही कंडक्टर क्या लगा दिया जाए, इधर साइड में लगा दिया जाए। तो इसका अगर रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो अगर दो हो गए, अगर ये दो कंडक्टर हो गए, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, उसी बेसिस पर क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा। ऐसे समझो कि जितना ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी, उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। सेकेंड होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि लेंथ जैसे पढ़ाएंगे, लेकिन याद रखना खींच कर नहीं पढ़ाना है, उसके लिए कंडीशन अलग है और आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर किस तरह हमने बताया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये, और ये जितना ही ज्यादा एरिया ज्यादा होगा, उसको उतना ही कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब उसका अपोजिंग उतना ही कम होगा। जितना पतला वायर होगा, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो याद रखना ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सिंपल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए। जितना ज्यादा एरिया, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम। क्लियर, यानी ये इसका अपोजिट इफेक्ट होगा, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम। थर्ड होगा एट टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर पर किस टाइप से डिपेंड करेगा, तो देखते हैं। जो टेम्परेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होगा, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका, सॉरी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में शॉर्ट सर्किट ज्यादा होती है, रीजन क्या है, उस टाइम रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गई बात, यानी देख सकते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन increasing increasing the temperature
से नोट कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्लैश रेजिस्टिविटी, यानी एक ही चीजें हैं, चाहे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें या रेजिस्टिविटी कहें। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए समझेंगे क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देख लीजिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिंस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section that is R, ये हो जाएगा L upon A के proportionality sign हटाओगे तो एक constant add होगा rho, और rho आप लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कहाँ पर, डेंसिटी में। लेकिन यहां पर डेंसिटी नहीं होगी, यहां पर क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। तो लिखेंगे वेयर रो इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज specific resistance or resistivity। ठीक है, अगर यहां से हम rho का फॉर्मूला लिखें तो rho is equal to आ जाएगा R A upon में L। ठीक है, आगे अब इसी को हमको डिफाइन करना है, रो को ही हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो आगे लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू वन एंड एल इज इक्वल टू वन, देन अगर ए बराबर वन है और एल बराबर वन है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट है और लेंथ क्या है, यूनिट है, देन रो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। हम देखते हैं कि अगर ए इक्वल वन के इक्विवेलेंट है और एल वन के इक्विवेलेंट है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। और रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट और लेंथ भी क्या है, यूनिट ही है। तो सिंपली लिख सकते हैं दस स्पेसिफिक फिक रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट है? रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, कंडक्टर। लेंथ कितनी है? यूनिट है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है? यूनिट है। कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिटी, ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। आगे हम यूनिट की भी बात करेंगे, तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर बताते हैं यूनिट क्या होंगी। यूनिट ऑफ रो निकालना है हमको, तो एसआई यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगी? आर ए अपॉन एल होता है, आर की हो गई ओम, ए का मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यूनिट आ गई कितनी? ओम मीटर। नोट कर लीजिए। इस क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जो रेजिस्टेंस हैं इनको कंबाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोग देखते होंगे कि कलर्ड टाइप के, इस टाइप के, इसमें एक टांग इधर होती है, एक टांग इधर होती है, और इसमें क्या होते हैं, कई कलर स्ट्रिप बनी होती हैं, सर्कुलर सिलिंड्रिकल होता है, उसमें क्या होता है, छल्ले टाइप के कलर लगे होते हैं, तो वही होते हैं रेजिस्टर्स, ठीक है? और रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि हमारी सर्किट शॉर्ट सर्किट ना हो या जले ना, ठीक है ना? क्योंकि करंट को ये रोकने का काम करता है। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।